इश्क हुआ कैसे हुआ? हाय गाइस, कमागणी नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज इंद्रजीत कीर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, योर यूट्यूब चैनल, आर यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक हो। आज हम हैं तो ये थी 15 सेकंड की मेरी लव स्टोरी। ये जो पत्रिका गेट है, ये आप यहाँ पे क्राउड देख के पता लगा सकते हैं कि कितना ज़्यादा लोगों के पीछे पागलपन है इस चीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग प्री वेडिंग शूट करवा रहे हैं जो कि फ्री है, नो कॉस्ट है यहाँ पे, और रील्स के लिए लोग बाग बहुत पागल हैं, यहाँ रील्स वगैरह बनाते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि ये 2016 में बना था हमारे जयपुर में, और इसको 9th कुआ गेट कहा जाता है। जयपुर के अंदर 9th जो गेट है, जैसे अजमेरी गेट हो गया, सांगनेरी गेट हो गया, वैसे ये 9th नंबर का गेट है जो कि 2016 में बना था, और 2020 में नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको इनॉग्रेट करवाया गया था वीडियो कॉलिंग के थ्रू। यहाँ पे इस पत्रिका गेट पे जितने भी ये पिलर्स हैं, इन पिलर्स पे देखो आप जो आकृति बनी हुई है, ये हमारे राजस्थान स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं, ये घोड़े के साथ में ये है, और वो वहाँ पे हाथी के साथ में वो है, वहाँ पे वो एक दरबारी हैं, वो खड़े हैं वहाँ पे। तो ये सारे ये हमारे राजस्थानी जो कल्चर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। जो पत्रिका गेट है, मैं आपको बता दूं कि ये जवाहर सर्कल का फ्रंट है, और ये हमारे जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के जस्ट पास में सांगानेरी जो एयरपोर्ट है, जो लोग जानते हैं, एयरपोर्ट के जस्ट पास में, और सामने ही हमारे WTP बहुत बड़ा मॉल है जो कि बहुत अच्छा है, उसके जस्ट सामने ही, या सामने आप देख सकते हो ये, तो उससे सीधा आने पे उसके जस्ट सामने ही है, और जो इसकी पार्किंग है, 4-व्हीलर और 2-व्हीलर पार्किंग, वो जस्ट इसके साइड में है, और उसका कोई भी चार्जेस नहीं है। यहाँ पे आप देखो, लोग प्री वेडिंग शूट के पीछे पागल हो रहे हैं, इतने लोग हैं ना शूट के लिए आए, इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा है, इतना रश हो रहा है, आप देखो। और यहाँ पे फॉरनर्स भी काफ़ी आते हैं, जो हमारे टूरिस्ट होते हैं, लोगों को ये नहीं पता कि मैं शूट कर रहा हूँ, बीच में से निकले जा रहे हैं, बट कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, भीड़ ज़्यादा है। आज संडे है क्या? आज बताओ, मंडे को इतनी भीड़ है, वरना संडे को तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है संडे को तो। यहाँ पे गाइस हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं आप। सफेद सफेद दो प्यारे प्यारे घोड़े हैं। भैया क्या चार्जर है इसका? 100 रुपये। इसमें कितना राउंड? इसमें वीडियो करा के कपल के तो भैया 200 रुपये। हाँ, और जैसे बैठे के तो 100 रुपये। नहीं, बैठ के घुमाओगे कितना? 100 रुपये में? अच्छा, और कपल्स के लिए 200। अच्छा, तो देख लो, सिंगल के लिए 100, कपल्स के लिए 200। हाँ, तो हम आए हैं अभी पत्रिका गेट के बैक साइड में, जहाँ से ये पूरा गार्डन स्टार्ट है, बहुत बड़ा है, एंड तक मैं पूरा गार्डन दिखाऊंगा। बहुत बड़ा सर्कल है, बीच में फाउंटेंस भी लगे हुए हैं, और ये जो जगह है ये प्लेग्राउंड है एक तरीके से। यहाँ पे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो इवनिंग के टाइम में स्केटिंग करते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, काफ़ी अच्छा प्लेग्राउंड टाइप से, और वहाँ पे रनिंग का ट्रैक बना हुआ है, रनिंग का पूरे सर्कल पे। ये पूरा जवाहर सर्कल है, जवाहर सर्कल के आगे ये पत्रिका गेट बना हुआ है। हेलो भैया जी, तो गाइस, अगर आपको भी रील्स वगैरह बनानी हो, जो कि रील्स आजकल का सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है रील्स का, तो आप यहाँ आके रील्स बना सकते हैं जयपुर में आके। मैंने बता दी लोकेशन वगैरह, मैंने बता दी आपको, और अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है तो आप यहाँ पे रनिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये पूरा रनिंग का ट्रैक है, ये पूरा रनिंग ट्रैक आई थिंक है ना 3 से 4 किलोमीटर है, ये एक सर्कल है पूरा, जहाँ पे हमारा एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट के जस्ट पास में है ये, तो जो सर्कल है बाहर का ये वही जवाहर सर्कल है, और बताया जाता है कि सबसे बड़ा सर्कल है राजस्थान का, इतना बड़ा सर्कल है। फास्ट फूड वगैरह का है, जो भी खाने पीने का, वो सब फ्रंट में भी है और बैक साइड में भी है, और जो अंदर है, अंदर वहाँ पे नॉर्मली कपल्स वगैरह के लिए, फ्रेंड्स वगैरह के लिए, उनके लिए, तो वहाँ भी हम चलते हैं। काफ़ी अच्छा लॉन है, ग्रीनरी भी काफ़ी अच्छी है, तो मेनली तो यही है। चलो थोड़ा सा अंदर चलते हैं, फिर फटाफट फिर
कुछ खाएंगे, सुबह से फिर एक गिलास दूध ही पिया है वही हमेशा की तरह, सुबह खाना वाना भी खाएंगे कुछ। आ जाओ कम। तो गाइज ये पार्क की एंट्री है, एक और दो एंट्रीज की, एक बैक साइड से और एक राइट साइड से भी है। और इसका जो ओपनिंग टाइमिंग है वो मॉर्निंग में 6 बजे से रात के 9 बजे तक है, आप इसके बीच अंदर आ सकते हैं। और समर हो या विंटर्स हो, यहाँ पे काफ़ी अच्छा वेदर रहता है अंदर, क्योंकि ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा है। और ये नाइट में जो ये फाउंटेन से, ये नाइट में चलते हैं तो काफ़ी अच्छी लाइटिंग होती है यहाँ पे, काफ़ी अच्छा आप टाइम स्पेंड कर सकते हैं। तो आप आ सकते हैं अपने फैमिली फ्रेंड्स वगैरह किसी के भी साथ आ सकते हैं आप। तो ये था पत्रिका गेट और जवाहर सर्कल पार्क। पत्रिका गेट वहाँ आप रील्स बना सकते हैं, वेडिंग प्री वेडिंग शूट वगैरह कर सकते हैं, बाहर से कोई फ्रेंड आता तो उसकी फोटोग्राफी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी जो फोटोग्राफी है इंडिया में ही नहीं, बाहर के लोग भी, जो फॉरेनर्स आते हैं वो भी वहाँ क्लिक करवाते हैं, जिससे पता लगता है कि हाँ भाई ये जयपुर का कोई एक हिस्टोरिकल प्लेस है, बहुत अच्छा है। तो और ये है पार्क जहाँ पे कपल्स वगैरह आते हैं, बैठ सकते हैं आप आराम से, ग्रीनरी काफ़ी अच्छी, छाया भी है यहाँ पे, ऐसे ना कि धूप है यहाँ पे, छाया भी है काफ़ी अच्छी। और एक चीज़ में और मतलब जर्नली में बता दूँ कि ये जो पत्रिका गेट है ये बनवाया था जो हमारे राजस्थान पत्रिका है, जो राजस्थान के अंदर जो न्यूज़पेपर आता है पत्रिका वाले, जो राजस्थान पत्रिका है, उन्होंने बनवाया था इसको। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आप बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा और जो जानकारी मिली है आपको, ऐसी कौन सी नई जानकारी है जो आपको अभी पता चली है, आपने यहाँ तक वीडियो देखा उसके लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें, हमें आगे बढ़ने का मौका दें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्या अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो मेरे को अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है ना, चलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हम हैं जयपुर के सबसे फेमस स्पॉट पे, जयपुर के सबसे फेमस स्पॉट पे, क्या बोलते हैं रनिंग का, क्या बोलते हैं वो, ट्रेक। हाँ, राजस्थान का बहुत वन ऑफ ऐसा है कि वो वाला, नहीं राजस्थान मतलब सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं।